हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मोड़े एंड हम आए हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में जो कि एयरफोर्स के आसपास है एंड यहां पे जो है नीट 2023 का एग्जाम जो है वो हो रहा है। थोड़ी देर में बच्चे जो है वो बाहर आएंगे एंड फिर उनसे हम पूछेंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस एग्जाम का कैसा था, फिजिक्स कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था, बायोलॉजी कैसा था, ये सब जानेंगे। सो स्टे ट्यून। हेलो, क्या नाम है आपका? रिया। कैसा था ओवरऑल पेपर? अच्छा था। मतलब लेंगी था या कैसा हुआ? नहीं, जूलॉजी सेक्शन सबसे इजी था एंड बॉटनी भी इजी था। केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट गया, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बट बायोलॉजी सेक्शन में था। टाइम आपको कन्वीनियंट मिला पूरा? यस यस। एंड ओवरऑल मतलब एनसीईआरटी से ही था या बाहर का भी कुछ आया था? टोटल एनसीईआरटी। तो मतलब कॉन्फिडेंट हो, कैसा अच्छा स्कोर रहेगा? अच्छा। हां, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, होप आपको टॉप एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। का नाम ऋग्वेद अविनाश सामने। ओके ऋग्वेद, कैसा था ओवरऑल पेपर? पेपर वाज एक्चुअली बिट इजी, बायोलॉजी वाइज बोला जाए तो बहुत इजी था, बट केमिस्ट्री में इट वाज अ लिटिल लेंथी। हिंदी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हो गया, बट केमिस्ट्री अ लिटिल। एंड पूरा ओवरऑल एनसीईआरटी से ही था या कुछ बाहर का? एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे कुछ भी आउट ऑफ नहीं था। एंड मतलब पैसे कॉन्फिडेंट हो, मतलब स्कोर अच्छा जाएगा? प्रोबेबली आई विल गो अराउंड लाइक 575। नाइस यार, ऑल द बेस्ट, होप आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू। का नाम? मेरा नाम आकांक्षा मोहंती है। आकांक्षा, कैसा था ओवरऑल पेपर? पेपर इस बार लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो काफी इजी आया था, स्पेशली बायो, लाइक लास्ट टाइम तो बायो बहुत स्टेटमेंट था, बट इस बार अच्छा आया था। केमिस्ट्री हल्का सा डिफिकल्ट लगा मुझे, बट फिजिक्स वाज ओके। लास्ट टाइम जैसा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, बट फिर भी इट वाज इजी। पेपर कोई फिजिक्स में कोई भी लेंथी पार्ट नहीं था? नहीं, मेरा पेपर ऐसे आई फिनिश्ड ऑलमोस्ट 10 मिनट्स अर्ली, तो इसे लेंथी नहीं था। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, कभी बाहर का भी आया था? नहीं, बायो में तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, केमिस्ट्री आल्सो आई विल से एवरीथिंग वाज एनसीईआरटी। फिजिक्स वाज आल्सो नथिंग, वाज ऐसा नहीं कि आई हैव नॉट सीन, ऐसा कुछ था नहीं, जो कुछ पढ़ाया था सब उसमें इंक्लूडेड। फिजिक्स थ्योरी टाइप क्वेश्चन ज्यादा आए थे या थ्योरी आया था? थ्योरी न्यूमेरिकल ज्यादा थे, न्यूमेरिकल ऑब्वियसली ज्यादा ही थे, बट थ्योरी वाज आल्सो गुड चैट। एंड केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की बात करें हम, तो कैसा था ओवरऑल? मतलब एनसीईआरटी के एक्सेप्शन वाला पार्ट ज्यादा आया था या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे? काफी मुझे इनऑर्गेनिक स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हां, मैथ्स तो फॉलोइंग था इनऑर्गेनिक, तो जिसमें टाइम ज्यादा नहीं गया, वो एलिमिनेशन से हो जाता था, बट ऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा था। फिजिकल पोर्शन वाज आल्सो इजी, इतना फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, इतना मतलब ऐसा एप्लीकेशन वाइज नहीं था, बट बाकी सब इट वाज प्रीटी डूएबल। थैंक यू सो मच, होप आप जो है वो 600+ स्कोर करें एंड टॉप मेडिकल कॉलेज में आपका जो है वो एडमिशन। डॉक्टर शुभम मोड़े एंड हम अभी जो है वो केंद्रीय विद्यालय में आए थे, बहुत से स्टूडेंट से हमने बात की। सो ओवरऑल हम बात करते हैं तो बहुत से बच्चों को बायो बहुत ही इजी गया है, केमिस्ट्री थोड़ा सा एवरेज लेकिन वो भी इजी था, एंड फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा थे ऐसे बच्चे कह रहे हैं, एंड फिजिक्स ही थोड़ा सा टफ लगा बहुत सारे बच्चों को। सो ओवरऑल वही पैटर्न जो एनटीए हर साल फॉलो करता है वही पैटर्न फॉलो हुआ है, यानी कि लगभग जो है स्कोर काफी बढ़ने वाला है बच्चों का एंड देन कट ऑफ जो है वो ऑब्वियसली हायर होगा, एंड पिछले साल से भी हायर होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि पिछले साल लेंदी पेपर था, इस साल लेंदी पेपर भी नहीं आया है। ये स्टूडेंट्स रिव्यू थे, हम अभी जो है वो थोड़ी देर में पेपर भी पूरा रिव्यू करेंगे एंड फिर आपको पेपर के अनुसार जो है वो ओपिनियन देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।